गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज है होली से अगला वाला दिन, आज है यानी कि फ्राइडे, और आज मैं जमकर सोई हूँ। जमकर मतलब जितनी भी होली की थकान थी ना, जो भी सामान वगैरह बनाने में होली की थकान हो गई थी, और होली खेलने के बाद, याद होगा आपको कल मैंने बोला था अपने ब्लॉग में, मैं आफ्टरनून में नहीं सोई थी, रात में ही सोई थी, और रात में भी मूवी वगैरह लगा ली थी। तो मैं और प्रशांत रात में मूवी एंजॉय कर रहे थे। अक्सर तो हम लोग क्या करते हैं ना, होली खेलने के बाद शाम को मूवी वॉच करने हॉल में जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं गए क्योंकि कशिश का एग्ज़ाम था। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि मैं और प्रशांत ने क्या कहते हैं, घर में ही एक मूवी देख ली, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लेट नाइट सोए, तो नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज आफ्टरनून में मैं बहुत जम के सोई हूँ, मुझे नहीं पता कितना बहुत, मतलब पूरी अच्छी खासी मैंने नींद पूरी करी है अपनी, जिसकी वजह से मेरी आंखें आप देख सकते हो कैसी लग रही है, पफी पफी लग रही है ना इस टाइम मेरी आईज। इसीलिए मैं काजल भी लगा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बैलेंस आउट लगे। और पता है मैं इतने सारे काजल ढूंढती रहती हूँ, आपको पता है कि मैं हमेशा काजल के बारे में बताती रहती हूँ अपने व्लॉग में। तो कुछ दिन पहले मैं ये मेबलिन वाले काजल के बारे में बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये आंखों में टिकता नहीं है, जैसे ही लगाओ उसके विद इन 1 आवर बाद जो है वो निकल जाता है, लगता ही नहीं कि आपने काजल लगाया है। तो अब मुझे एक स्पेशल और बहुत अच्छा काजल मिल गया है, जिसे मैंने होली वाले दिन, जो रंग वाला दिन था ना, यानी कि कल, मैंने इसे पूरे दिन लगा के रखा था। पूरे दिन मैंने नहीं लगा के रखा, मैंने तो एज यूजुअल एक ही बार लगाया और ये पूरे दिन अपने आप चला, मतलब कि होली के रंग में भी नहीं हटाइए, पानी में भी नहीं हटाइए, इनफैक्ट मैंने जब शावर भी ले लिया उसके बाद भी ये मेरी आंखों में काजल था। मुझे लिटरली इसको आई मेकअप रिमूवर से निकालना पड़ा, इतना अच्छा टिकाऊ काजल है ना, कहीं भी इतना सा भी जो फैला हो पूरे होली के टाइम पर, ये 6 to 7 hours कहीं भी स्मच नहीं हुआ। तो मेरा तो फेवरेट हो गया, मतलब रीजनेबल प्राइस में इतना अच्छा काजल। मुझे प्लम का काजल बहुत पसंद है, लेकिन कहते हैं वो काजल एक्सपेंसिव है, और ये काजल रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है लैक में, एब्सोल्यूट वाला है ये, ब्लैक कलर का, और बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप एक अच्छा काजल ढूंढ रहे हो तो आंख बंद करके इसे परचेज कर सकते हो। और थैंक यू, आप लोगों को मेरा होली का ब्लॉग बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरी डांस परफॉर्मेंस भी सबको बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा कि आपने बहुत ही थोड़ा सा डांस किया है। उसका रीज़न आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कॉपीराइट इशू आ जाता है कभी भी कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं, तो 20 सेकेंड का हमें अलाउ रहता है, तो मैंने उतना ही दिखाया था आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे। ये है कुछ होली के रंग वाले कपड़े जिसे पहनकर हम लोगों ने होली खेली थी, और अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको मशीन में चला रही हूँ एक बार, जिससे कि सारा इनका कलर निकल जाए। सिर्फ यही वाले कपड़े उसमें डालूंगी, सुबह से टाइम नहीं मिला, और सुबह से आपको पता ही है कि मैंने आज काफ़ी रेस्ट किया है, तो कुछ ऐसा खास काम भी नहीं किया। ये सारे कपड़े एक बार मशीन में चला दूंगी, और फिर इन कपड़ों का क्या करूँ, हमेशा सोचती हूँ इन कपड़ों का करना क्या है यार, आखिरकार अब तो ये किसी काम के नहीं रहे, अब तो कोई इन्हें पहनेगा भी नहीं, बार बार कपड़े नीचे गिर रहे हैं एक्चुअली, तो अब तो इन्हें कोई पहनेगा भी नहीं, तो बस इन्हें वॉश करके ना नीचे पूछ लूँगी गार्ड वगैरह को, या कोई गार्ड वगैरह किसी और को बता दे तो मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूँगी, अदरवाइज़ पता नहीं इन कपड़ों का क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल ने मशीन में चला देती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या करते हो होली के रंगों वाले कपड़ों का, जो होली में यूज़ करते हो आप खेलते समय, उन कपड़ों का बाद में क्या करते हो, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। Oh, 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 oh
अपने लिए चाय बना रही हूँ और कशिश के लिए कोल्ड कॉफी बना रही हूँ। उसको आज कोल्ड कॉफी पीने का दिल कर रहा है। वैसे गर्मियाँ अच्छी खासी पड़ने लगी है ना यहाँ पर। आज दोपहर में भी बहुत ज्यादा धूप थी और गर्मी भी होने लगी है, जिसकी वजह से अब हम लोग फैन चलाकर लेटने लगे हैं। अब रात में भी फैन चलाकर सो रहे हैं और आफ्टरनून में भी फैन चलाकर रखते हैं। अभी आइस नहीं डाल रही क्योंकि मैंने आइस अभी जमने के लिए रखी नहीं है फ्रीज में। अब सारी जो आइस ट्रे हैं जो भी मैं फ्रीज में रखती थी वो सब मुझे वॉश करके दोबारा से उसमें आइस क्यूब्स जमानी होंगी। करती हूँ के साथ ना फ्रीज की जितनी भी बोटल्स हैं वो भी क्लीन करके उनमें पानी भरना स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी नहीं करने वाली। अप्रैल से शुरू करूंगी ये सब। अगर मैं अभी से करूंगी ना तो कशिश अभी से पीना स्टार्ट कर देगी और बीमार भी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। एकदम से जब वेदर चेंज होता है ना हम लापरवाहियां करते हैं और अजीब और गरीब चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं एकदम से, तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कशिश अब आजकल मेरे से ना आइसक्रीम की भी जिद कर रही है, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। मैं कहा तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएं जब खाना आइसक्रीम वगैरह दी आती हूँ मैं उसको, उसका कोल्ड कॉफी रेडी हो गई है। तो आप मेरे ब्लॉग में मेरी नंद से तो मिलते ही रहते हैं ना, मेरी बड़ी नंद से। तो अक्सर मेरी मैंने नोटिस किया है कि ब्लॉग के नीचे कभी कभी कमेंट आते हैं कि आपकी जो नंद है उनका जो बेटा है वो कशिश से छोटा है। तो एक्चुअली मैं उनको दीदी बुलाती हूँ, मिनी दी करके बुलाती हूँ, मिनी दीदी। हमारे यहाँ मतलब यूपी साइड में अगर आप जानते होगे तो नंद चाहे छोटी हो या बड़ी उनके नाम के आगे, अगर छोटी है तो नाम के आगे दी लगा देते हैं और अगर बड़ी है तुमसे तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं दीदी कहते बुलाते हैं। लेकिन वो प्रशांत की छोटी सिस्टर है तो मैं उनको नाम के साथ दी ऐड करती हूँ, मतलब नाम तो रखती हूँ साथ में दी भी ऐड करती हूँ। तो ये ना एक रेस्पेक्ट होती है कि नंदो यूपी साइड में ये माना जाता है कि अपनी आपकी सिस्टर इन लॉ छोटी हैं या बड़ी उनको रेस्पेक्ट दी जाती है दी लगाकर। तो वैसे तो वो हमसे छोटी हैं लेकिन हम उन्हें हमेशा मैं दी लगाकर बोलती हूँ। तो जिन लोगों को भी ये कंफ्यूजन था शायद मैंने उनका कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। हूँ गाइस कोई अच्छी सी प्लेस बताइए दिल्ली के आसपास जिसमें हम एक या दो दिन का ट्रिप प्लान कर सकें, मतलब शिमला नैनीताल वगैरह को छोड़कर क्योंकि वहाँ हम लोग जा चुके हैं। कोई ऐसी प्लेस जो दिल्ली के आसपास हो और बहुत ही हैपनिंग हो, जहाँ फोटोग्राफी भी अच्छी हो सके और हमारा अच्छा सा टाइम भी स्पेंड हो सके। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या आप दिल्ली की कोई ऐसी जगह जानते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है फोटोग्राफी के लिए और कहते हैं रिलैक्सेशन के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि कशिश के एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं एक या दो दिन के लिए। तो दो दिन से तो आपको मालूम ही है कि फेस्टिवल की वजह से क्या खाना चल रहा है, गुंजिया दही बड़े, और अभी भी दही बड़े रखे हुए हैं बाय द वे क्योंकि सारे दही बड़े ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं कि हम तीनों के काम आ जाएंगे, मतलब इतने हैं होंगे 10-12 के करीब। और गुंजिया तो बहुत सारी बची हुई हैं, प्रशांत इंजॉय कर रहे हैं गुंजिया डेली, उनको जब भी भूख लगती है उठाकर खा लेते हैं। तो होता ही है फेस्टिवल पर फूड ऐसे ही इसीलिए बनाया जाता है कि थोड़ी सी मंचिंग करने का दिल करे तो आप तुरंत मुंह में डालो और खा लो। तो ये सब तो बहुत चल रहा है दो दिन से कि उल्टा सीधा सब तरीके का खाना चल रहा है, पूरी कचौड़ी सब्जी ये सब बहुत हो गया। आज खाने में क्या बनने वाला है आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज रीमा अपने डिनर में क्या बनाने वाली है। तो आज मैं अपने डिनर में जो है बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ और सिंपल में मैं आज बनाने वाली हूँ ओट्स खिचड़ी। तो आज मैं ओट्स खिचड़ी बनाऊंगी जिसमें सारी वेजिटेबल्स वगैरह मिलाकर बनाऊंगी, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है और सबसे बड़ी बात कशिश का फेवरेट हो गया है। पता है एक दो बार से मुझे बनाते हुए देखती थी और खाते हुए देखती थी तो मुझसे पूछती थी मम्मी आप ये क्या खाते हो। मैं अपना आपको पता है कि मैं कभी कभी डिनर में ना बहुत ही लाइट चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। तो क्या हुआ
वो देखकर मुझे पूछती है, मम्मा आप ये क्या खाते रहते हो? तो मैंने कहा तुम ट्राई करोगी? बोली मुझे नहीं करनी है, आप पता नहीं ये डाइट फूड ट्राई कर रहे हो, मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा तुम एक चम्मच खाकर तो देखो। और उसने वो एक चम्मच खाया, उसके बाद मुझे बोलती मम्मा मेरे को बाउल में लाकर दो, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब जब भी मैं कभी ओट्स खिचड़ी बनाती हूँ, वो हर बार मुझे बोलती है कि मम्मा मेरे लिए जरूर बनाना। तो उसकी भी फेवरेट हो गई है ओट्स खिचड़ी। कितनी अच्छी बात है ना, हेल्दी ऑप्शन उसका फेवरेट हो गया है, दैट्स टू ग्रेट। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। बस प्रशांत का नहीं पता कि वो कितना खुश होंगे, क्योंकि उनको शायद ओट्स खिचड़ी में इतना इंटरेस्ट ना है। देखते हैं आज बनाते हैं उनके लिए भी। इसमें जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहते हो वो वेजिटेबल डाल सकते हो। जो जो मेरे पास रखी हुई थी घर में वो सारी वेजिटेबल मैंने ले ली है। अभी पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ। प्रशांत से मैंने पूछा कि आप आप ओट्स खिचड़ी खाओगे? उन्होंने बोला रीमा ओट्स खिचड़ी तो नहीं खाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए रोल लिया वेजिटेबल। मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही नमक अजवाइन वाले पराठे बनाती हूँ। घर में सॉल्ट भी रखी हुई है, चटनी भी है, आप उससे खाना। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ पराठे का। मुझे नहीं मालूम प्रशांत को हेल्दी ऑप्शन से इतनी तकलीफ क्यों है। क्यों तकलीफ है आपको हेल्दी चीजें खाने से? जब भी मैं कुछ भी ऐसी चीजें बोलती हूँ ना, उनकी तरफ से ना नहीं तो बटे खा लेंगे, लेकिन आधे मन से खाते हैं। तुम तो सच में चटोले हो। तो कभी कभी तो चल जाता है ना। मशीन ना हमारी पता नहीं क्यों परेशान कर रही है, उसमें से पानी ओवरलोड हो रहा है, बंद नहीं हो रहा अपने आप, ऑटोमेटिक होता है ना सिस्टम। लग रहा है दिखाना पड़ेगा इसको। तो परेशान वही चेक कर रहे हैं, उनका खाना मैंने रख दिया उधर, लेकिन अभी वो मशीन में लगे हुए हैं। Just to feel your arms around me.
डिनर वगैरह हो चुका है, अभी थोड़ा सा फेस को क्लीन कर रही हूँ बायोटिक से, और उसके बाद एक शीट मास्क लगाने वाली हूँ। दिखाती हूँ आपको अभी कौन सा शीट मास्क लगाने वाली हूँ। चेहरे पे मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी ऑयलीनेस आ जाती है ना जब आप किचन में काम करते हो, तो वो ही रिमूव कर रही हूँ बस। तो मैं रात में बिना स्किन केयर के नहीं सोती हूँ, चाहे मैं नाइट टाइम क्रीम यूज़ करूँ, और जब मेरा नाइट टाइम क्रीम यूज़ करने का दिल नहीं करता तो वीक में मैं ये शीट मास्क लगाना पसंद करती हूँ। इससे पहले मैं द फेस शॉप के शीट मास्क यूज़ कर रही थी, कभी कभी उन पर बहुत अच्छे ऑफर भी रहते हैं, बाय 7 एंड गेट 7 फ्री, तो उन ऑफर में आप खरीद सकते हो। ऐसे ऑफर नायका वालों के उसमें भी आते हैं, जब भी कोई कहते हैं हॉलीडे सेल आती है या फिर कोई फेस्टिवल सेल आती है, तब उस टाइम पर आप देखोगे तो आपको इस टाइप के ऑफर मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो मैंने ये फुल प्राइस पे खरीदे क्योंकि मैंने दो ही परचेज किया और उस टाइम कोई ऑफर भी नहीं चल रहा था। तो नायका का ये नए निकले शीट मास्क और इन्हें ट्राई करने का मेरा काफ़ी दिल था। आपने मेरे हॉल में देखा होगा, मैंने एक बार हॉल दिखाया था नायका का भी, दो तीन दिन पुराना ही व्लॉग में। तो यहाँ पर मेरे पास दो मास्क हैं, एक है एलमेंट प्लस योगर्ट फॉर रिवाइटलाइज्ड नरिश्ड स्किन शीट मास्क, और दूसरा है राइस प्लस कैमेलिया फॉर नरिश्ड रेडिएंट स्किन। तो मैं कौन सा यूज़ करूँ, मेरी स्किन को ना ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल कलर वगैरह के चक्कर में ना स्किन थोड़ी तो डैमेज हुई है, हालांकि मैंने पूरी केयर की थी, लेकिन फिर भी इसी वजह से मैं आज ये लगा रही हूँ। तो मैं ये वाला लगाती हूँ आज। ये जो शीट्स मास्क होते हैं ना, ये आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से रिजनरेट करते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं, तो मुझे इसलिए काफ़ी पसंद है। और तुरंत तुरंत आप कभी, आपका ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं है, तो इसे लगाओ और रिलैक्स करो, बस चिल पिल। एंड में मुझे ना आपको वीडियो में कुछ दिखाना है, तो एंड तक रहिएगा, एंड में मैं आपके साथ कुछ चीज़ दिखाने वाली हूँ। ओके, तो ये इस तरीके से लगेगा। मेरा फेस इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा ये मास्क है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जो कि द फेस शॉप में मैंने ऐसी खुशबू नोटिस नहीं करी कभी, लेकिन इसमें से सच में आ रही है। ओह माय गॉड, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है बेटा, दिखा दिखा, बहुत ही अच्छी है इसकी। इतनी हमने उसमें भी नहीं करी है, तूने तो वो लगाए हुए ना द फेस शॉप के। मैं और भी मंगाऊंगी, बहुत अच्छी है ना, खुशबू तो बहुत ही अच्छी है यार इसकी। इसका वो लगा लो लिक्विड, वो मैं अभी लगाऊंगी हाथों में, ये फेस में भी लगा लो, पतला सा है। और जब इस जब आप ये फेस मास्क लगा लेते हैं तो ये ना लिक्विड में डिप होकर आता है, तो जो भी जिस चीज का बना हुआ होता है वही लिक्विड होता है, तो कुछ इसमें रह जाता है, तो उसको वेस्ट ना करें, इस तरीके से निकाल लें। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और उसे गर्दन पर लगा सकते हो आप, अपने हाथों पे लगा सकते हो, एल्बो पे लगा लीजिए। और अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मास्क लगा रखा है। स्किन काफी मॉइस्चराइज, ग्लोई और साथ में प्लम, देख रहे हैं आप, मुझे बहुत पसंद आया, और भी मंगाऊंगी मैं।
तो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम पर फोटोज देख रही थी जो कि आप लोगों ने मुझे टैग किए हैं मेरे डायरेक्ट मैसेज पर। आपको याद होगा मेरा जो होली प्रिपरेशन वाला ब्लॉग था उसमें लास्ट में मैंने आप लोगों से बोला था कि होली से रिलेटेड जो भी या तो आपने होली खेली है या होली के लिए कुछ भी किया है, पकवान बनाया है, कुछ भी फूड बनाया, तो उसके फोटोज आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा जिसे मैं अपने इंस्टाग्राम पर जो हाईलाइट पोस्ट होती हैं उसमें शेयर करूंगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ शेयर करी है मेरे साथ और यस दिखाती हूँ आपको भी। वैसे अगर आपको देखना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखना, मैं कल मॉर्निंग में उसे हाईलाइट कर दूंगी और आप सभी लोग फिर आराम से उसे देख सकते हो। और अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नहीं पता है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है इंडियन मॉम स्टूडियो, सेम मेरे चैनल का नाम इंडियन मॉम स्टूडियो। तो एक ये फोटो है जो शेयर की है मेरे साथ, आई होप आप देख पा रहे हो। बाकी आप इंस्टाग्राम पर जाकर चेक करिएगा तब आपको अच्छे से दिखाई देगी। स्वाति ने भेजी है ये और नेत्रा जी ने भी बहुत सारी फोटो भेजी है। नेत्रा जी ने ये भेजी है मेरे साथ, आगे भी बहुत सारी हैं, दिखाती हूँ। ये भी एक होली खेलने की भेजी है ज़्यादातर। तो ऐसी बहुत सारी फोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम DM पर लोगों ने शेयर करी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं होली की पिक, अपनी कोई भी होली की पिक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम DM पर, जिसे मैं कहते हैं इस वीक अपने इंस्टाग्राम हाईलाइट में लगाऊंगी। तो जल्दी जल्दी शेयर करिए जिससे कि आपको भी मौका मिले। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। I